बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम के अंतर्गत मानस स्वावलंबन फाउंडेशन की ओर से कौशल्य कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं को स्कॉलरशिप के चेक बांटे गए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम के अंतर्गत जहां पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं, वहीं प्रदेश की सरकार आगे बढ़कर बेटियों को बढ़ाने का काम कर रही है। आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम के तहत मानस स्वावलंबन फाउंडेशन द्वारा टिप्टीगंज स्थित कौशल्य कन्या इंटर कॉलेज में छात्राओं को विभिन्न क्षेत्रों जैसे खेल, गाइड, चित्रकला आदि क्षेत्रों में स्कूल का नाम रोशन करने पर उन मेधावी छात्राओं को फाउंडेशन द्वारा स्कॉलरशिप के चेक बांटे गए। इस मौके पर स्कूल की प्रधानाचार्य मधुबाला त्यागी ने मानस स्वावलंबन फाउंडेशन का धन्यवाद दिया और साथ ये भी कहा कि संस्था के इस प्रकार के कार्यों से छात्राओं का मनोबल बढ़ता है। साथ ही उन्होंने अन्य छात्राओं को अपने जीवन में अच्छा काम करने की शिक्षा दी। इस बारे में जब फाउंडेशन के अध्यक्ष सौरभ शुक्ला से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारे फाउंडेशन पिछले 5 माह से सक्रिय काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम के अंतर्गत आज उनके संस्थान ने मेधावी छात्राओं को स्कॉलरशिप के चेक वितरित किए हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस मौके पर फाउंडेशन के अधिकारी समेत कॉलेज का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। मेरा नाम डॉक्टर मधुबाला त्यागी है और मैं कौशल्य कन्या इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ। आज जो है मानस स्वावलंबन फाउंडेशन संस्था के द्वारा हमारे जो बच्चे होनहार हैं, मेधावी हैं, उन बच्चों को सम्मानित किया गया था। सभी बच्चों को 1,000 रुपये देकर सम्मानित किया गया। हम इस संस्था के बहुत ही आभारी हैं और बार बार धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे बच्चों को सम्मानित किया और आगे भी हम उनसे यही विनय करते हैं कि हमारे बच्चों को आगे भी सम्मानित करते रहें। इससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है और जो गरीब बच्चे हैं उनका शुल्क जमा हो जाता है और बच्चों में जो है आगे बढ़ने की लालसा पैदा होती है। क्या नाम है? हमारा नाम सौरभ शुक्ला है और हमारी संस्था का नाम है मानस स्वावलंबन फाउंडेशन। आज हमने कुछ छात्राओं को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अंतर्गत कुछ स्कॉलरशिप के चेक वितरित किए हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य जी और अध्यापिका प्रिया वर्मा मैडम का इसमें बहुत अत्यंत सहयोग रहा है जिसकी वजह से ये कार्य संपन्न हो चुका है। पहली बार ये कॉलेज जब से ये कार्य किया है? हाँ जी, हमने ये पहली बार करा है, अब इसे आगे भी जारी रखेंगे ताकि बच्चियां सशक्त हो सकें, उससे समाज हमारा सशक्त बनेगा और सरकार भी इस पर बहुत फोकस कर रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अंतर्गत सरकार भी, मोदी जी भी इसी पे कार्य कर रहे हैं और हम भी, हमारी भी एक छोटी सी शुरुआत है, आगे ईश्वर जैसा करेंगे। धन्यवाद। ये हमारी फाउंडेशन 6 महीने हुए हैं, 6 महीने नहीं 5 महीने हुए होंगे, अभी हमने शुरुआत करी है। अब आगे भी और विद्यालय में बात चल रही है, वहाँ पर भी बटवाएंगे धीरे धीरे करके ही काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप।